ट्रांसफार्मर में क्या कुछ सेफ्टियाँ होती हैं, अगर सेफ्टियों के बारे में बात करें तो? ट्रांसफार्मर में सर सेफ्टियाँ होती हैं WTI OTI बकोज दिल है। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आप लोगों का बहुत दिन से रिक्वायरमेंट था कि सर मेरे को एक अच्छा सा टेक्निकल इंटरव्यू आप शूट करो, जिसमें कि हमारी जो प्रॉब्लम है हम आगे इंटरव्यू देने जाएं वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो आज एक अच्छा सा इंटरव्यू हम देखने वाले हैं और ये इंटरव्यू आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर करेगा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को ये इंटरव्यू अच्छा लगा और यहाँ से कुछ सीखने का मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाना। और अभी स्टार्ट करते हैं मिस्टर गोपाल। गोपाल प्लीज़ सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम गोपाल प्रसाद, फ्रॉम राजस्थान अलवर से हूँ, एंड मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है सर। एक्सपीरियंस किस तरह का है आपका? इलेक्ट्रीशियन का है। इलेक्ट्रीशियन से तो जो आपकी पिछली जॉब थी उसमें क्या कुछ चीज़ें थी जो आप देखते थे? सर उसमें ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर DG था, HT पैनल LT पैनल दोनों थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपका CV है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यूअर जो है आपके CV के अंदर जो लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें पूछता है। तो CV में कभी ऐसा भी नहीं करना कि आपने बहुत कम चीज़ें लिखी तो उसको लगे इसको कुछ आता ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी। जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आपके CV में होनी चाहिए, जो कि सफिशेंट हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो फ्रेंड मेरे को ये बताइए कि आप जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, किस तरह के ट्रांसफार्मर पर आपने काम किया है? सर ट्रांसफार्मर वोल्टेज के हिसाब से टू टाइप के होते हैं। आपने किस तरह के ट्रांसफार्मर के ऊपर काम किया? ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर पर काम किया। तो कितने KVA का ट्रांसफार्मर था? 1000 KVA का। 1000 KVA का। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहली चीज़ आती है कि जनरल मेंटेनेंस क्या होता है, डेली बेसिस में मेंटेनेंस करते हैं ट्रांसफार्मर में? सर जनरल मेंटेनेंस नहीं होता है। तो डेली बेसिस पर कुछ चीज़ें चेक करते हैं? हाँ सर, टैप चेंजर और वोल्टेज अगर कम आ जाए तो टैप चेंजर जरूर देखते हैं। हाँ, कम ज़्यादा करते हैं बस। तो फ्रेंड्स देखो, एक मैं आपको भी ऐड करना चाहूँगा कि डेली मेंटेनेंस या डेली चेकअप चेक्स कुछ होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी। वो क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर के अंदर विजुअल चेक होता है और एक टेम्परेचर चेक होता है। विजुअल चेक के अंदर हम देखते हैं उसके चारों तरफ कि भाई मेरा जो उसके अंदर जो ऑयल है वो तो कम नहीं है, उसके लिए हम मीटर देखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हम ट्रांसफार्मर के चारों तरफ घूम के देखते हैं कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कोई हमारा जो पैनल रहता है जहाँ पर WTI और OTI लगी रहती हैं उनकी दिन की मैक्सिमम रीडिंग कहाँ तक गई है, कि दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक गया है। तो ये एक बेसिक रीडिंग होती है अगर हम बात करें ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये चीज़ें आपको उसमें देखनी होती हैं। ट्रांसफार्मर में क्या कुछ सेफ्टियाँ होती हैं, अगर सेफ्टियों के बारे में बात करें तो? ट्रांसफार्मर में सर सेफ्टियाँ होती हैं WTI OTI बकोज दिल है, ब्रीदर और सर MOG। जो बकोज रिले है उसके बारे में क्या जानते हैं? बकोज रिले सर ट्रांसफार्मर में जैसे हीटिंग या अंदर कोई भी है फॉल्ट हो तो बकोज रिले में सर बकोज रिले में वो होता सर मरकरी होती है सर, वो NONC बनाता है। जैसे ही NC बनाता है तो वहाँ पर VCV को ट्रिप कराने का काम करता है सर। ये कौन सी रिले में कमांड जाती है VCV में? VCV में सर ये जाती है संट रिले में। VCV के अंदर आपकी ऑक्सिलरी रिले जी, VCV के अंदर कौन सी रिले में जाती है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी रिले के अंदर कमांड जाती है, ठीक है। ऑक्सिलरी से संट रिले में जाएगी। हाँ, ऑक्सिलरी से अगर आपकी कई रिले लगी हुई हैं
हाँ, तो मास्टर ट्रिप रिले में जाएगी और मास्टर ट्रिप रिले से आपकी सेंटर में। ठीक है, तो जो आपने कहा कि WTI और OTI होती है जी, उसमें WTI में की ट्रिपिंग कितने पे होती है? WTI में ट्रिपिंग होता है 90 डिग्री पे। ओके, अलार्म कितने पे आता है? नहीं, 90 पे तो अलार्म आता है, 95 पर ट्रिप होता है। ओके, जो ट्रांसफार्मर के अंदर एक हम सिल्का जेल डालते हैं उसका कलर कैसा होता है? पिंक, नहीं ब्लू, ब्लू होता है। तो कितने दिन में चेंज कर देना चाहिए उसको? सर वो सिलिका जेल का कलर वाइट होने पर वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसके बाद चेंज करता है। वाइट होने पे? हाँ जी। या पिंक होने पे? पिंक होने पर तो वो सकिंग करता है सर, मॉइस्चर को सक करता है। ओके, ठीक है। वो पिंक होने पर ही, अगर उसका कलर पिंक हो गया है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। हम उसका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो सिल्का जेल हमारी लगी रहती है उसको चेंज कर देते हैं। जो हमारा ब्रीदर होता है जी, कैसे काम करता है उसके बारे में क्या जानते हैं? ब्रीदर सर मॉइस्चर को सक करने का काम करता है। मॉइस्चर को सक करने का काम किस तरह करता है? सर ट्रांसफार्मर हीटिंग होता है, उसके बाद हीटिंग होने से वहाँ पर गैसें बाहर निकलती हैं। जैसे ही ठंडा होने के बाद मिनरल ऑयल होता है सर ट्रांसफार्मर में, जैसे ही वो ठंडा होता है तो एयर लेता है, एयर को, एयर से मॉइस्चर को सक करने का काम कैसे? दे देता है। थोड़ा ठंडा सा समझाओ मुझे उसका। कैसे सर? थोड़ा ठंडा समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक बार और बताओ। सर जैसे ही ट्रांसफार्मर गर्म होगा, गर्म होने के बाद उसमें हीटिंग होगी, हीटिंग से मॉइस्चर बनेगा। हीटिंग से कैसे मॉइस्चर? नहीं सर, हीटिंग होने पर उसमें एयर बनेगी। कैसे बनेगी? एयर नहीं, भाप नहीं बनती हीटिंग होने पर। देखो दोस्त, इसमें यही कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। हाँ, जब आपका ओवल है, कोई भी चीज़ गर्म होती है, गर्म होने के बाद फैलती है। फैलती है। हाँ, हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक आधा भरा और आधा खाली क्यों होता है? सर वो इसीलिए होता है। इसलिए उसमें सर 70% भरा हुआ था, 30% खाली होता है। वो एयर के लिए ही होता है हीटिंग। उसमें सर गैस वैसे भरती है ना, इसलिए। देखो क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर हमारा गर्म होता है, ट्रांसफार्मर मतलब उसकी वाइंडिंग गर्म हो रही, तो ऑयल गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा, जो हमारा फैलेगा। जो हमारा कंजर्वेटर टैंक रहता है उसमें जो एयर का स्पेस होता है, है भाई, उसको खाली नहीं होता पूरा, मैं कहूँ कि उसमें आधे में तेल भरा रहता है, तो वो सच्चाई नहीं है। आधे में या 70% तेल भरा हुआ है, 30% क्या है उसके अंदर एयर है। जब ऑयल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो एयर है एक्सपेंड होगा, तो एयर है, एयर बाहर की तरफ निकलेगी जी सर, एयर ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल गई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेन कहानी जब स्टार्ट होती है, जब ऑयल ठंडा होने लग गया है, ऑयल ठंडा होने लगा है, नीचे की तरफ आने लग गया, तो जो खाली जगह है वहाँ पर फिर एयर चाहिए। एयर कहाँ से आएगी? ब्रीदर के थ्रू होके आएगी, ठीक है। जो हमारा ब्रीदर होता है उसके नीचे कैप लगाते हैं हम लोग जी सर, उसके अंदर कौन सा ऑयल भर करते हैं, क्यों? मिनरल ऑयल डालते हैं उसमें सर, उसमें डस्ट पार्टिकल को अलग करने के लिए। ओके, अगर मैं बात करूँ डीजल जनरेटर की, तो डीजल जनरेटर कितने केवीए का लगा हुआ था आपके इधर? सर 500 केवीए का था। 500 केवीए का था, तो उसको कितने लोड पर चलाते थे, मतलब 80% कितना एम्पियर? सर 320 एम्पियर, 320 किलोवाट एम्पियर। एम्पियर तो सर 554 एम्पियर। 500 नहीं, कितने पे चलता था आपका? आप रीडिंग लेते हुए ना, हर घंटे या जब चलता है तो रीडिंग ली जाती है, तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना जाता था? मिनिमम मैक्सिमम 380-390 एम्पियर जाते थे। ओके, ठीक है। किस तरह का वाटर कूल्ड था या एयर कूल्ड डीजल? एयर कूल्ड डीजल, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं डीजी की? मैं बोलूं कि यूनिट पर लीटर कितना आता था आपका? सर उसकी एफिशिएंसी 50-60 लीटर पर घंटे में। एफिशिएंसी यूनिट पर लीटर में जानना चाहता हूँ।
सर ये मालूम है। तो आप खुद रीडिंग नहीं लेते थे क्या वहाँ पे? लेता था। तो कभी यूनिट पर लीटर नहीं निकाला आप लोगों ने? नहीं। तो आपको यूनिट पर लीटर पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। जी ठीक है, कैसे निकलता है जो लोग देख रहे हैं एक सिंपल सा वो भी समझ लें कि सपोज मेरा डीजी एक घंटा चला है जी, ठीक है, और एक घंटा चलने में उसने 50 लीटर तेल खा लिया जी सर। ठीक है, अभी एक घंटे को हटा देते हैं, उसने क्या किया 50 लीटर तेल खाया और कितनी यूनिट जनरेट की? सपोज उसने 50 लीटर तेल खा के उसने मेरी 100 यूनिट 200 यूनिट 300 यूनिट कुछ तो जनरेट की होंगी ना। अच्छा, तो हाँ, तो उसी के हिसाब से यूनिट पर लीटर, जैसे बाइक आपकी होती है, अगर मेरी ये 40 की एवरेज देती है 50 की एवरेज देती है तो 40 किलोमीटर पर लीटर, तो उसी तरह डीजी का होता है कि कितने यूनिट कितना लीटर तेल खाएगा पर यूनिट, एक यूनिट में मेरे को कितना वही हमें चाहिए वहाँ पर, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। जी सर, आपके डीजी में क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं? डीजी की सेफ्टियों के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर डीजी सेफ्टी में LLOP लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर एंड लो कूलेंट लेवल और स्पीड हाँ जी। तो और एमरजेंसी होती है सर, बैटरी टर्मिनल चेक, बैटरी वोल्टेज चेकिंग। ओके, तो मेरा अगर हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आ गया है तो क्या रिएक्शन होगा आपका उसके ऊपर? सर उसमें यह होगा कि ये जो हमारा फैन है, रेडिएटर फैन, या तो रेडिएटर बंद है। रेडिएटर बंद मतलब? रेडिएटर फैन की जो वी बेल्ट होती है वो या तो टूटी हुई है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसी कारण हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? और सर और कम से कम इसके 6 से 7 रीजन होते हैं, कम से कम 4 रीजन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या क्या चीज़ें देखो, ये दिस इज़ कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, इसी से आप ट्रबल शूटिंग करते हो कि भाई मैंने वी बेल्ट तो देख लीजिए, वी बेल्ट तो ठीक है, हम डेली ए चेक करते हैं तो ए चेक का पार्ट में आता है ना। हाँ। ये सारी चीज़ें, तो मेरी वी बेल्ट तो ठीक थी भाई, सुबह मैंने चेक की थी, अभी क्या हो गया उसमें ऐसा कि हाई वाटर टेम्परेचर, हमारा डीजल जनरेटर ओवरलोड चल रहा है। हाँ। उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ता है, आपने कूलेंट है भाई, कूलेंट में पानी मिला के डाल दिया ज़्यादा, यानी कि कूलेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला, या कूलेंट कम है आपका, बट ये कूलेंट भी हम डेली ए चेक में चेक करते हैं। ठीक है, आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है तो रेडिएटर आपका ब्लॉक हो सकता है, रेडिएटर फिन्स होती हैं वो ब्लॉक अपनी हो सकती हैं। तो कम से कम आपको 4-5 आंसर आपको देना ही देना है। जो डीजी के अंदर जो चेक्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताओ। सर डीजी में 4 चेक होते हैं, ABCD। ए चेक पर डे होता है सर, बी चेक 6 मंथ में या 500 आवर्स में होता है, तो ओल्ड डीजी उनमें सर 300 आवर्स 300 घंटे में होता है, और सी चेक पर ईयर होता है, एक ईयर में होता है 1500 घंटे में होता है सर, डी चेक 2 साल में होता है। आपके सामने कौन सा चेक हुआ है? सर मेरे सामने बी चेक सी चेक हुआ है। बी चेक सी चेक में क्या करते हैं? सी चेक में सर इंजेक्टर को इंजेक्टर के टर्मिनल को चेक कर रहे हैं सर, कैलिब्रेशन वगैरह। हाँ जी सर, टैपिट सेटिंग एंड कैलिब्रेशन, पीटी पंप को सेट करें। जो आपने पीपीएम किया है, पीपीएम किस किस चीज़ का पीपीएम किया है आपने अपने हाथ से? सर मैंने LT पैनल का पीपीएम किया है। LT पैनल में क्या 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 मतलब पीपीएम करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? सेफ्टी का, फर्स्ट तो सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए सर। ओके। लोटो किट का उपयोग करना चाहिए। क्या होती है लोटो किट? लॉग आउट टेक आउट। ओके, तो किस तरह यूज करते हैं इसको सर, क्या प्रोसीजर होता है उसका? प्रोसेसर यह होता है, मेंटेनेंस करने से पहले, पीपीएम करने से पहले अपने सीनियर से पहले कमांड लेनी पड़ती है, उससे बोलना पड़ता है कि मैं पीपीएम करूंगा, तो जो हमारी MCB वगैरह है वो ट्रिप करनी पड़ती है। कौन सी MCB? MCC लगी हुई होती है पैनलों में इनकमिंग। ओके, उस पैनल के अंदर जो इनकमिंग सप्लाई आई होती है उसको बंद करते हैं। हाँ जी हाँ, फिर और लोटो लगाना पड़ता है MCC के
मतलब जो भी आपका ब्रेकर है उसके ऊपर आप लोटो किट लगा देते हैं जी सर, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे सर ये फ़ायदा है कि मैं खुद जाके ही उस लॉक को खोलूँगा, बाकी अदर कोई नहीं खोल सकता और कोई भी सप्लाई चालू नहीं कर सकता मेरे अलावा। ठीक है, जो हमारा डीजल जनरेटर है जी, उसके अंदर जो नॉर्मली आपके सामने किस तरह की प्रॉब्लम आई? सर मेरे सामने डीजल जनरेटर की प्रॉब्लम ये आई थी कि वोल्टेज ड्रॉपिंग होते थे बैटरी वाले से। तो क्या रीजन, क्या प्रॉब्लम मिली उसकी? सर बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम थी। ओके, बैटरी सही से चार्ज नहीं होती। ओके, जो हमारा एलटी पैनल होता है जी, उसके अंदर हमारी क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं एलटी पैनल की? सर आवाज़ लाउड डिले होती है, कहाँ लगी रहती है? ये सर एलटी पैनल पे लगी हुई है। ओके, ठीक है। और सेंट्री रिले, क्लोज रिले। ओके, और आर्चूट। ओके, ठीक है। तो किस तरह आर्चूट कैसे सेफ्टी करता है? सर आर्चूट एसीबी में सर दो कॉन्टैक्ट लगे हुए थे, एक मूविंग और एक फिक्स कॉन्टैक्ट। जैसे ही सर सप्लाई आती है तो हम जैसे एसीबी को हम रनिंग में लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्सिंग कॉन्टैक्ट में टच होते हैं, तो उस टाइम पर आर्क उत्पन्न होती है। उस आर्क को बुझाने के लिए एसीबी कितनी तरह की होती है? एसीबी सर चार तरह की होती है। कौन सी? सर ये मालूम नहीं है। SOP क्या है? SOP सर मार हमने लिखा है ना यहाँ पर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हिस्ट्री कार्ड क्या होता है, कहाँ लगाते हैं? हिस्ट्री कार्ड सर पर डे का वो होता है ना, पर डे का हिस्ट्री कार्ड नहीं, इसका भी नहीं मालूम। हिस्ट्री कार्ड क्या होता है कि सपोज आपने पैनल के ऊपर एक हिस्ट्री कार्ड लगा दिया है, उस पैनल में कब आपने मेंटेनेंस किया है या कोई मेजर प्रॉब्लम आई है, तो वो सारा डिटेल उसके अंदर हम इन करते हैं जी। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पैनल में कितने ब्रेक डाउन हुए हैं और क्या क्या हुआ है। एम सी बी और आर सी सी बी में क्या अंतर है? एम सी बी में सर यह होता है कि एम सी बी 1 एम्पियर से 63 एम्पियर तक एम सी बी आती है, जबकि आर सी सी बी एम सी बी में दो तरह का प्रोडक्शन होता है, ओवरलोड और ओवरलोड और ओवरलोड शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और आर सी सी बी में सर अर्थ लीकेज का ही एक प्रोसेस होता है, बाकी शॉर्ट सर्किट आवाज लोड पर वो ट्रिप नहीं होता। उसमें से आज आरसीसी में रिटर्न करंट अगर नहीं आएगा तो आरसीसी भी ट्रिप हो जाएगी। अर्थ लीकेज यूपीएस के बारे में पता है? नहीं सर। जो आपने स्टार्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, स्टार्टर के बारे में क्या जानते हो? स्टार्टर के बारे में मेरा एक ट्रिप इंडिकेटर है उसमें जी सर, एक ड्यूल स्टार्टर में कैसे कनेक्शन होते हैं उसमें? सर ट्रिप इंडिकेटर के एनसी से हम किस चीज़ के नहीं एल वो सर ओएलआर से एनओ से उसको ट्रिपिंग को एक फेस वो देंगे सर, फेस पता है आपको कैसे करना? हाँ, सर एक बिल्डिंग का SLD अगर मैं बोलता हूँ कि कैसे कैसे सप्लाई आई, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे कैसे सप्लाई आई है? सर बिल्डिंग की सप्लाई फर्स्ट में VCB में आएगी LT पैनल में सर इनकमिंग में, उसके बाद सर हमारे LT पैनल से ST पैनल में जाएगी, LT से ST में जाएगी, ST में पहले ST में LT में आएगी, LT से फिर ST में जाएगी? नहीं HT में नहीं, LT में वो DP में। दोबारा बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा सर इसका मालूम कम। तुम आपको नहीं बता कि आपके इधर सप्लाई कैसे कैसे आई है? हाँ,
कैसे कैसे आएगी? सर एलटी पैनल में आई थी सप्लाई। सबसे पहले तो आपकी मीटर में आएगी सप्लाई। हाँ सर। ट्रांसफार्मर क्यों लगा रखा है? एलटी में डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, तो आपने ट्रांसफार्मर क्यों लगा रखा है आपके? एलटी में नहीं सर, डीपी। हैं? एलटी में नहीं। डीपी क्या होती है? डीपी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। वो तो एलटी में भी होता है, एसटी में भी होता है। हाँ। तो कुछ डिस्क्राइब करोगे तभी तो पता लगेगा किसी को। सबसे पहले मीटर रूम में आएगी आपकी, फिर आपकी वीसीबी में आएगी, वीसीबी से ट्रांसफार्मर में जाएगी, ट्रांसफार्मर से एलटी में आएगी, तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। हाँ ये तो पता है। तो यही तो पूछ रहा है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? ऐसे ही तो बोलते हैं कि आपकी सप्लाई कहाँ से आई है और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मैं डीजे का सोच रहा था। ओके। फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज है कुछ? हाँ सर। हाँ सर। फायर फाइटिंग में किस कितनी तरह के पैनल यूज होते हैं? फायर फाइटिंग में सर पैनल दो तरह के होते हैं। एक तो पैनल के ऊपर फायर फाइटिंग लगे हुए होते हैं और एसी भी, तीन तरह के सिलेंडर लगे हुए होते हैं सर जगह जगह। हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं सर। तो आपका अगर मैं इलेक्ट्रिकली बात करूं तो ऑल ओवर ठीक है, अगर मैं 10 में से मार्क करूं आपको तो करीब 6 से 7 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं आपको नहीं बेटर पता है, तो एक चीज़ है जो आप कर सकते हो कि एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट, जो चीज़ें हुई हैं उनमें से क्या चीज़ें आपको नहीं पता हैं, क्या हैं जो चीज़ें आपके सीवी में मेंशन हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, चाहे वो सबके सीवी में होनी ही नहीं चाहिए, अगर हैं तो यू शुड कि क्या चीज़ है जी। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं कि इंटरव्यू पूछता है कि आप स्ट्रॉन्ग किस चीज़ में हैं, तो आपने जैसे बताया कि आपने एलटी एसटी या डीजी ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी नॉलेज है, बट आपको चिलर और फायर फाइटिंग की थोड़ी कम है जी। बट अभी जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा कम है आपको अदर चीज़ों की, तो वो नॉलेज भी थोड़ी सी एड ऑन करनी है जी सर। ठीक है, जब भी एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका इंटरव्यू का मैं बता दिया है, आपको क्या कमी थी वो बता दिया है जी। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करो गोपाल, और डेफिनेटली कुछ बेटर मिलेंगे आपको जी। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि भाई आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, तो बने रहिए हमारे साथ में, ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। कुछ स्पेशल टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। थैंक यू।